My dear students, how are you all? I hope you all are well inside your home with your family. Students, today we will read a lesson of your English grammar book that is making sentences. So let's read our chapter. Have you seen some letters are here? Let's read Z A O M N.

जो वर्ड बना उसको आप नहीं पढ़ सकते थे यदि आप पढ़ सकते थे तो उसका सेंस नहीं निकलता है मीनिंग नहीं निकलता है उसी तरह से आपको सेंटेंसेज जो कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है उसको यदि आप कंप्लीट सेंस में पढ़ते हैं तो वहां पर उसको हम सेंटेंस कह सकते हैं जैसे यहाँ हमने इसकी पोजीशन चेंज की थी इसका मीनिंग निकल रहा है तो ये हो गया वर्ड लेकिन इसका मीनिंग नहीं निकला है तो जहां मीनिंग नहीं निकलता ऐसे ही वहां पर हम सेंटेंस नहीं कह सकते चलिए आगे हम पढ़ के देखते हैं स्कूल बैग आई पैकिंग माय एम सेंटेंस होता है बेटा एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स ग्रुप क्या होता है समूह और वर्ड्स होते हैं जो कि ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं जैसे स्कूल बैग स्कूल एक वर्ड है बैग एक वर्ड है इसी तरह से इनको जब हमने ज्वाइन किया तो उसे एक सेंटेंस बनता है और सेंटेंस की पहचान क्या होती है कि उसके स्टार्टिंग में जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है और सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप होता है स्कूल बैग आई पैकिंग माई एम ये एक सेंटेंस नहीं है क्यों क्योंकि इसकी कंप्लीट सेंस नहीं निकल रही है नाउ शी बिकॉज शी कांट अंडरस्टैंड बट ही वांट टू से वो क्या कहना चाहता है वो समझ नहीं पा रही है क्यों समझ नहीं पा रही है क्योंकि उसका जो सेंटेंस है वो गलत है चलिए इतने दोबारा क्या कहा है आई एम पैकिंग माय स्कूल बैग कि मैं अपना स्कूल बैग पैक कर रहा हूँ यहाँ देखिए आप फर्स्ट लेटर क्या है कैपिटल है और लास्ट में फुल स्टॉप है अगर आपने क्वेश्चन पुट अप किया है तो वहाँ आप क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे लेकिन यहाँ क्वेश्चन पुट अप नहीं है यहाँ स्टेटमेंट है सिंपल सेंटेंस है तो इसलिए यहाँ पर फुल स्टॉप आएगा कि मैं अपना स्कूल बैग पैक कर रहा हूँ नाउ शी अंडरस्टूड ओ ऑल राइट The first sentence did not make any sense, but the second sentence did. जो first sentence था ये इसकी कोई भी sense नहीं निकली थी लेकिन second sentence की sense निकली है इसलिए इसको हम sentence कह सकते हैं इसको हम sentence नहीं कहेंगे Sentence noun या pronoun जो कि आपका एक subject होता है उससे start होता है उसके साथ में helping verb होती है और last में full stop या फिर क्वेश्चन मार्क जरूर होता है चलिए नेक्स्ट पेज पे अंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जैसे मैंने आपको अभी बताया वर्ड्स का ग्रुप जैसे की ये वर्ड्स के ग्रुप है उनको कंबाइन कर दिया और उसका जब कंप्लीट सेंस निकलता है सेंस का मतलब होता है मीनिंग अर्थ जब उसका कंप्लीट मीनिंग निकलता है तो उसको हम बोलते हैं सेंटेंस जैसे की एग्जांपल पढ़िए माय नेम इज इशू मेरा नाम इशू है आई लव इटिंग चिप्स की मुझे चिप, चिप्स खाना बहुत पसंद है लेट्स अ सेंटेंस विद अ कैपिटल लेटर आई ऑलरेडी टेल यू आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट कैपिटल लेटर्स स्टार्टिंग में फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है एंड एंड विदुल स्टॉप और लास्ट में फुल स्टॉप होता है और क्वेश्चन मार्क यदि आपने क्वेश्चन पुट अप किया है वहां पर तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क यूज होता है लेट्स डू वर्कशीट नंबर वन एलेक्स द एलिगेटर यू टू टिक राइट द सेंटेंसेस विच आर मीनिंगफुल एंड क्रोस रॉन्ग द सेंटेंस विच आर नॉट मीनिंगफुल एलेक्स एलिगेटर है वो चाहता है कि जो सेंटेंस मीनिंगफुल है उसके आगे टिक हो और जो जिनका मीनिंग कंप्लीट नहीं निकल रहा है उनके आगे क्रॉस हो लेट्स डू मान्या इज कलरिंग मान्या इज कलरिंग मान्या कलर कर रही है इट मींस ये सेंटेंस सही है मोहित अ बॉय स्मार्ट इज अगर ये सेंटेंस होता मोहित इज अ स्मार्ट बॉय तो ये राइट right होता लेकिन यहाँ इसकी सेंस नहीं है इसलिए हमने यहाँ क्रॉस लगाया है आई पार्क साइकिल ऑन माई भैंड टू द ये भी एक मीनिंगफुल नहीं है तो इसलिए हम यहाँ पर भी क्रॉस लगाएंगे प्लीज पास मी द न्यूज पेपर यहां इसकी कंप्लीट सेंस निकल रही है कि कृपया मुझे न्यूज पेपर पास करें तो ये राइट right है द फैक्ट्री शूज एंड बूट्स मेक्स ये भी कंप्लीट नहीं है इसलिए यहां पर हम क्रॉस लगाएंगे सेकेंड क्वेश्चन अरेन्ज द वर्ड्स टू फॉर्म मीनिंगफुल फुल सेंटेंस रिमेंबर टू स्टार्ट द सेंटेंस विद कैपिटल लेटर एंड अ फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ ईच सेंटेंस आपको कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हुए हैं आपको उनको रीअरेंज करना है और आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग कैपिटल लेटर से होनी चाहिए और लास्ट में फुल स्टॉप होना चाहिए और अगर क्वेश्चन वर्ड है तो आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है सो so लेट्स डू द ब्लू इज स्काई द स्काय इज ब्लू द का टी कैपिटल होना चाहिए और ब्लू के लास्ट में आपको फुल स्टॉप लगाना है द स्काई इज ब्लू येलो रोहन हैज कैप आर रोहन हैज आ येलो कैप रोहन का आर कैपिटल जो की ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में है और अगर ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में नहीं भी आता है तो भी आपको नेम का जो भी फर्स्ट लेटर है वो आपको कैपिटल लिखना होता है क्योंकि नेम एक प्रॉपर नाउन है और लास्ट में फुल स्टॉप आर टेनिस प्लेइंग डे दे आर प्लेइंग टेनिस डे का टी कैपिटल एंड लास्ट में फुल स्टॉप और नेक्स्ट पेज. लाइक आइसक्रीम चॉकलेट आई आई लाइक चॉकलेट आइसक्रीम एंड पुट हेयर लास्ट में फुल स्टॉप And starting with capital letter. Seven old tanya is the years. Tanya is seven years old. Tanya T capital and put full stop at last. Butterfly is the party pretty fell. The butterfly is very pretty. Full stop and first letter must be capital. Very big park is the. The park is very big. फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड लास्ट फुल स्टॉप स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही बाकी वर्कशीट नंबर टू हम कल के लिए करेंगे ओके कल नेक्स्ट वीडियो में आपको वर्कशीट नंबर टू कराई जाएगी तब तक आप अपनी इसी वर्कशीट को कंप्लीट कीजिए और इस चैप्टर की रिवीजन कीजिए बाय बाय